आगे बढ़ रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा वार, बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में आपदा के वक्त मोदी कहां थे? प्रियंका गांधी ने यह सवाल उठाया। साथ ही कहा कि मोदी ने आपदा राहत का पैसा आज तक नहीं दिया। मोदी जी केवल चुनाव के समय हिमाचल आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चाई से बहुत दूर हैं। तो किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होती नजर आई और सीधे तौर पर कहा कि केवल चुनाव के वक्त ही हिमाचल आते हैं, सच्चाई से बेहद दूर हैं प्रधानमंत्री। तो मोदी सरकार पर बड़ा वार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोला, सीधे सवाल उठाए कि जब हिमाचल में आपदा थी तब प्रधानमंत्री कहां थे? मोदी ने आपदा राहत का पैसा आज तक रिलीज नहीं किया, आज तक नहीं दिया, केवल चुनाव के वक्त हिमाचल आते हैं, सच्चाई से बहुत दूर हैं। बार बार मोदी सरकार कहा, आपने भी सुना होगा, पिछले चुनाव में भी सुना होगा। अब मन में ये बात आती है कि भाई कितनी बार मोदी सरकार, कितने सालों के लिए भुगतेंगे आप। शुरुआत उन्होंने भाषण की ऐसे की, आपके प्रदेश को देवभूमि कह के, हम सब कहते हैं, सब आते हैं, सब मानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। और भाषण के समय उन्होंने इस तरह से उसको कहा कि जैसे क्योंकि वो इसको देवभूमि मानते हैं इसीलिए उनके दिल में यहाँ के लिए खास जगह है। मन में मेरे ये बात आई, पिछले साल हिमाचल प्रदेश का चुनाव था, जहां जहां मोदी जी गए उन्होंने कहा कि ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश को कहा। चुनाव कांग्रेस जीती, कुछ महीनों बाद आपदा आई, भयानक आपदा आई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, एक परिवार था, सात सात परिवार के सदस्य बह गए, मंदिर टूटे, पहाड़ गिर गए। उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस देवभूमि को, जब जनता तरस रही थी कि राहत मिले, कांग्रेस का एक एक नेता, कांग्रेस का एक एक मंत्री राहत के कार्य में जुटा हुआ था, मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, 24 घंटे घूम रहे थे, जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे थे, भाजपा का एक नेता नहीं दिखा, मोदी जी नहीं दिखे। दिखना छोड़िए, उसी भूमि को जिसे वो कह रहे थे अपने भाषण में देवभूमि कह रहे थे, जिसे वो कह रहे थे कि वो पूजते हैं, उसी भूमि के लिए उन्होंने एक पैसा राहत नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। जितनी राहत थी वहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खुद दी, क्योंकि केंद्र सरकार देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देवभूमि उनके लिए सिर्फ उसी समय थी जब चुनाव का भाषण देने का समय था, जब आपदा आई, जब मुश्किलें हुई, जब लोग संकट में थे, तो देवभूमि नहीं रही। और मुझे उनका यहाँ का उत्तराखंड का भाषण सुनते हुए मेरे मन में ये बात आई कि एक उनके लिए कर्मकांड हो गया है, आदत बन गई है, मंच पे आते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, देवभूमि, धर्म, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है इससे। और देखिए इसी के साथ एक